हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल बर्नाई टेक्निकल जोन में। तो आज रोटेट लाइट कैसे बनाएं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें। ये 4Y बॉक्स है जिसमें हम लाइट को सेट करेंगे, तो इसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर रहे हैं हम, दो स्क्रूप है, दोनों स्क्रूप को खोल लेंगे और खोलने के बाद अंदर की तरफ इसमें स्पेस रहता है, जगह रहता है। तो ये ओपन हो चुका है, तो इसी में अब हम लाइट को सेट करेंगे। तो ये हमारा लाइट, और ये लाइट कलरफुल है, आपको मिल जाएगा। और इसका मार्केट प्राइस 2 रुपये है प्रति बल्ब है। और फोम में इसको हम सेट किए हैं, फोम के बीचों बीच में, और फोम को लगा दिए, 4Y बॉक्स में सेट कर लिए हैं। और कुछ इस प्रकार से चारों तरफ से सेट कर लेंगे। फोम के अंदर बल्ब को लगाएंगे बीचों बीच में और कुछ इस प्रकार से चारों को सेट कर लेंगे, देख सकते हैं। तो अब इसमें वायरिंग की प्रक्रिया चालू करेंगे हम। तो ये वायरिंग हो चुका है, बाहर की तरफ निकाल कर वायरिंग करना पड़ा है, वायरिंग हो चुका है। अब इसको लगा देंगे। और वायरिंग करते समय एक बात का ध्यान रखें, प्लस माइनस गड़बड़ होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। प्लस माइनस चेक करके और ध्यान रख कर आप लोगों को वायरिंग करना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये लाइट अब बनकर तैयार है। अब ऊपर से इसका जो कि अब इसको पैक कर देंगे इस प्रकार से, और बगल से वायर के लिए कटिंग कर रहे हैं जो कि हो चुका है। अब यहीं पे वायर सेट कर लेंगे। अब इसका जो कवर है इसको लगा कर कस देंगे। और एक बार फिर भी आप लोगों को बता देना चाहेंगे, प्लस माइनस जब गड़बड़ होगा तो बल्ब जलेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना है। देख सकते हैं लाइट सेट हो चुका है और ये बॉक्स पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। अब हम इसको जलाएंगे चार्जिंग के सहारे। तो ये वायरिंग कंप्लीट हो चुका है और अब इसको ले चलते हैं चलाने के लिए। और देख सकते हैं काफ़ी लाइट बढ़िया दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।